हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने पार्ट तीन तक संख्या पद्धति में पार्ट तीन तक बात कर चुके थे और अब बात करते हैं संख्या पद्धति भाग चार, जिसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है और जो कि सभी लोग जानते होंगे। देखिए, ये लिखा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। अब देखिए, एक में दोनों को प्लस करिए 66 और प्लस कितना 34, दूसरे में क्या करना है 66 माइनस 34 कर दीजिए, जोड़िए 6 4 10, 6 3 9, 9 और 1 10, एक ब्रैकेट में तो 100 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी 100 और गुड़े कितना 32 हो गया। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 32 2 0 लिख देंगे, इसका उत्तर कितना आया 3200। तो देखिए, बहुत आसानी से समझ लीजिए कि ऐसी संख्या जब दी गई हो कि मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो इसे इसी तरह सॉल्व करते हैं। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, दोनों को मान के उसके बाद रख दीजिए, रखने के बाद जो आता है जोड़ के और घटा के गुणा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है 3200। चलिए चल देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। इसमें हम इसे क्या मान लेंगे ए और इसे क्या मानेंगे बी मानेंगे। इसी तरह से खूब आराम से मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है ए स्क्वायर। अब सॉल्व को शुरू करते हैं, हल शुरू करते हैं, ए स्क्वायर और फिर क्या माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। चलिए ए की जगह पे कितना है 998 है, रख दीजिए ए की जगह पे 998 प्लस बी की जगह पे, यहाँ 999 ए की जगह पे 999, बी की जगह पे 998। चलिए एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में 999 और उसके बाद माइनस कितना 998। चलिए अब जोड़ दीजिए इसे 9 8 17, 9 और 9 18 18 1 19, इसके बाद जोड़िए 9 9 18 18 और 1 19, 1997 हो गया। गुणे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया कुछ भी नहीं बचा, 9 में से 9 गया कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इनका दोनों का मान कितना आ गया 1997 इसका मान है और इसका कितना मान है 1, दोनों का गुणा कर देंगे तो 1997 करना 1997 हो जाएगा और हमारा यही उत्तर होगा। तो देखिए कैसे हमने पहले ए माना, इसको इसको बी माना, उसके बाद देखा कि यहाँ ए स्क्वायर लिखा गया माइनस यहाँ क्या लिखा गया बी स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, हमने ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया। जब इसको दोनों को जोड़ा हमने तो आया 1997, इनमें से दोनों को घटाया गया तो इनका मान कितना आया 1 आया, दोनों का गुणा करके 1997 करना 1997, तो इसका उत्तर कितना आया 1997। चलिए देखिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है 106 × 106 माइनस 94 × 94, ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा गया लेकिन इसे ऐसे लिखना चाहिए 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, वो इस तरह से लिखा गया था, इसे विस्तार करके लिख गया है। जब कोई संख्या दो बार लिखी होती है तो उसकी घात हम क्या करते हैं, वही संख्या लिख के उसकी घात दो कर देते हैं, तो वही हमने किया। अगर यही संख्या तीन बार लिखी रहती तो हम वही संख्या लिखते और उसकी घात कितनी कर देते 3 कर देते। अब इसको 106 को क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब है क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी
दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, चलिए इसे भी रख दीजिए उसी पे। ए क्या है 106 प्लस बी क्या है 94 है। यहाँ क्या चिन्ह माइनस है या प्लस, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ चिन्ह कैसा है, यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ देखना हम बस यहाँ से मान उठाएंगे, ए का मान उठा के रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे, बी का मान उठा के रख देंगे 106 प्लस 94। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 106, ए क्या है 106 माइनस बी क्या है 94 है। चलिए 106 में 94 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, और घोड़े का चिन्ह है 106 में से 94 घटाएंगे तो 94 600 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब इसे गुणा कर देंगे 12 दुना 24 हो जाएगा, उसके बाद 20, इसका मान उत्तर कितना आ गया 2400 हमारा उत्तर हो गया। तो इसे देखिए इस फॉर्मेट में लिखा गया था 106 × 106 माइनस 94 × 94, तो ये वही लिखा गया 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। 106 को हमने ए माना, 94 को बी माना, उसके बाद लिखा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर करेंगे तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमने रख दिया 106 और प्लस कितना 94, दूसरे में 106 माइनस 94, 106 में 94 हमने जोड़ा 200 आया, 106 में से 94 घटाया 12 आया, 12 × 200 किया हमने, 12 × 24 आ गया, 20 था उसी तरह से लिख दिए, तो इसका उत्तर कितना आया 2400। इसी तरह से सभी सवाल करते हैं, पहले उसे सवाल को देखना चाहिए, समझना चाहिए किस फॉर्मेट में क्या लिखा गया है और कैसे लगेगा, कैसे आसानी से लगेगा। तो चलिए ठीक है, इसका उत्तर आ गया 2400, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन ये है कि 1012 × 1012 माइनस 988 × 988, चलिए इसे भी देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे निकलेगा, क्या करेंगे। तो फिर वही पहले वाला तरीका, सबसे पहले देखिए इसे करिए, 1012 × 1012 यानी कि एक ही संख्या दो बार लिखी गई है, 1012 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसके बाद माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर क्या 988 भी कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा गया, तो इसकी विघात कितनी हो जाएगी 2। अब 1012 को हम क्या मानेंगे ए मानेंगे, 988 को क्या मानेंगे बी मानेंगे। अब एक लिखा क्या गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए ए की जगह पे क्या 1012 प्लस बी की जगह पे क्या 988। चलिए फिर दूसरे ब्रैकेट में 1012, ए कितना 1012, दूसरे ब्रैकेट में 988। चलिए जोड़िए, 2 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 10, 8, 1, 9 और 1 हासिल था मिलके कितना 10, उसके बाद 8 और 1 मिलके कितना हो गया 9 और 1 हासिल 10 हो गया। यहाँ 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको जोड़ने नहीं आता है तो यहाँ साइड में लिख लीजिए 1012, फिर उसमें जोड़ना कितना 988, 8 और 2 मिलके 10, हासिल कितना 1, 8, 1, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10, फिर हासिल 1 है, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10, फिर हासिल 1 है, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2000 आ गया। अब इसी तरह से घटा भी लेंगे, चलिए घटा भी लीजिए इसी तरह से, 1012 माइनस कितना 988। चलिए यहाँ 2 है, 2 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, बगल वाले से उधार मांगेगा, जब इससे उधार मांगेगा तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 आया, यहाँ 1 था ये दे दिया कुछ भी नहीं बचा 0 बचा, बगल से एक उधार मांगेगा तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, अब ये 10 था एक उधार दे दिया तो कितना बचा 9, 9 में से 9 गया कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आया 24 आया, गुणे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 24 दुना
48, और उसके बाद कितने जीरो, 3 जीरो, तो कितना उत्तर हो गया 48,000। इसका उत्तर कितना आया 48,000। तो फिर से वही बात, सबसे पहले इसे इस फॉर्मेट में कर लीजिए, उसके बाद एक को ए मानिए, दूसरे को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। फिर मान रख दीजिए इनका 1012 प्लस 988, दूसरे कोष्टक में 1012 माइनस 988, इसको जोड़ेंगे तो 2000 आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 24, फिर दोनों का गुणा कर देंगे, 24 × 48, कितने जीरो, 3 रख दीजिए, तो उत्तर कितना आ गया 48,000। चलिए अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब की बार ये वाला सवाल पांचवा जो है ये दिया गया है 287 × 287 प्लस 269 × 269 माइनस 2 × 287 × 269। इसे हम अगर इसी फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं, गुणा करके उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिए कितना उत्तर आता है, और हम जो जिस तरीके से बता रहे हैं उसका कैसे उत्तर आ रहा है, कितनी जल्दी आ रहा है, इसका आप की बार कंपेरिजन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है 287 में किसका गुणा करना है, 287 का गुणा करना। चलिए 7 × 7 = 49। चलिए देखिए इसका हम गुणा करने के लिए सबसे पहले सोच रहे हैं अलग अलग गुणा करके, इसका गुणा करके जोड़ लें, उसके बाद इसका गुणा जोड़ कर करके जोड़ लें, उसके बाद इनका आपस में गुणा करके क्या कर देंगे घटा देंगे। चलिए गुणा करिए, 7 × 7 = 49, 49 × 9 हासिल कितना लगा 4, 7 × 8 = 56, 56 × 4 मिलके कितना हो गया 60, हासिल कितना लगा 6। फिर करिए 7 × 2 = 14, 14 × 6 = 20। चलिए अब 8 से करते हैं, 8 × 7 = 56, 56 की कितना 6, 8 × 8 = 56 की हासिल कितना लगा 5 लगा, 8 × 8 = 64, 64 × 5 कितना हो गया 69, 69 × 9 हासिल कितना लगा 6, फिर 8 × 2 = 16, 16 × 6 कितना हो गया 22 हो गया। चलिए 22 हो गया, अब इसके बाद 2 से गुणा करते हैं, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 = 16, हासिल कितना था 1, 16 × 1 = 17, फिर हासिल 1, 2 × 2 = 4, 4 × 1 मिलके 5 हो गया, 9। अब जोड़ेंगे इसे, 9, 6 में 0 जोड़े 6, 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 11, 11 × 1 कितना 12, 5 × 2 = 7 और 1 हासिल मिलके कितना हो गया 8, तो इसका मान कितना आया 82369, इसकी जगह पे आ गया 82369। चलिए फिर इसके बाद अब देखिए आगे वाले के लिए क्या करते हैं, उसका भी गुणा करेंगे, गुणा करिए 269 और गुणे कितना 269 करना, गुणा करिए 9 × 9 = 81, 81 × 1 हासिल कितना है 8, 9 × 6 = 54, 54 × 6 = 60 और 2 = 62, 62 हासिल कितना लगा 6, 9 × 2 = 18, 18 × 6 = 24, फिर 6 से गुणा करें, 6 × 9 = 54, 54 × 4 हासिल कितना लगा 5, अब उसके बाद 6 × 6 = 36, 36 × 5 कितना हो गया 41, 41 × 1 हासिल कितना लगा 4, फिर करिए 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 × 9 = 18, 18 × 8 हासिल कितना लगा 1, 2 × 6 = 12, 12 × 1 = 13, 13 × 3 हासिल कितना लगा 1, 2 × 2 = 4, 4 × 1 मिलके कितना हो गया 5, जोड़िए 1, 4 × 2 = 6, 4 × 1 = 5, 5 × 8 मिलके 13 हासिल कितना लगा 1, 2 × 6 = 8, 8 × 3 = 11, 11 × 1 हासिल 12, 5 × 1 = 6 और 1 हासिल मिल कितना हो गया 7 हो गया, 72361, 72361। चलिए माइनस अब इसका गुणा करेंगे, 267 × 69 और 269 × 2, तो सबसे पहले 2 × 287 कर लेते हैं,
87 में 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल कितना लगा 1, 2 आठे 16, 16 और 1 मिल के 17, हासिल कितना लगा 1, 2 दूना 4, 4 और 1 मिल के 5, 574 हो गया। अब इसमें गुणा करना कितने का, 269 का। चलिए गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, 9 सत्ते 63 और हासिल कितना था 3, 63 3 69, 69 के 9 हासिल कितना लगा 6, 9 पचे 45, 45 और 6 मिल के 51, फिर 6 से गुणा करिए, 6 चौको 24, 24 के 4 हासिल कितना लगा 2, 6 सत्ते 42, 42 2 44, 44 के 4 हासिल कितना लगा 4, फिर 6 पचे 30, 30 और 4 मिल के कितना हो गया 34। अब गुणा करेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल कितना लगा 1, 2 पचे 10, 10 और 1 मिल के कितना हो गया 11, जोड़ दीजिए 6, 9 4 13, 1 और 4 5, 5 8 13, 13 और 1 14, 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14, अब 3 1 4, 4 और 1 मिल के 5, यहाँ कितना आया 154436, 154436, 154436 आया। इसके बाद अब इसे जोड़ेंगे, 82369 और प्लस कितना 72361, जोड़िए 9 में 1 जोड़िए 10, 6 में 6 जोड़िए 12, 12 और 1 13, 3 3 6, 6 और 1 7, 2 2 4, 4 ही होगा क्योंकि हासिल इसमें कोई नहीं है, 8 7 15 है। इसका मान है 154730, इनके जगह पे लिख लीजिए 154730 माइनस 154436। अब इसमें से घटा देंगे 154436 घटाना है, माइनस करना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 3 गया जाएगा नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा 12, 12 में से 3 गया 9, उसके बाद यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2, चलिए देखिए यहाँ पे हम जब घटा रहे थे तो हमें यहाँ ऑप्शन लिखे हैं, इसमें उत्तर नहीं दिखा है, तो हम इसे चेक किए तो देखिए यहाँ जो 154436 है यहाँ 3 न रह के यहाँ 0 रहेगा, गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 0 गया 2 ही आएगा, यहाँ 7 में से 4 गया कितना आया 3, और इधर 154 में से 154 घटेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो उत्तर कितना आया 324, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ चौथा। तो इस हिसाब से तो इतनी टाइम में इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उत्तर आया कितना 324 आया है। चलिए इसके लिए अगर हम शॉर्ट तरीका देखना चाहें तो शॉर्ट तरीका ये है कि ये देखिए ये क्या लिखा गया है ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा गया है ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा गया है बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा गया है 2AB लिखा गया है। तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक को इसे ए मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2AB। अब ए हमें क्या करना है इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB लिखा गया, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है इसमें, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अगर यदि जब ये दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या रखना है 287
गलती मेरी। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें आभास हुआ है जो कि सही, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसकी जगह पे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ए क्या माने हमने, 287 माने, 287। चलिए 287 माइनस बी क्या है, 269 है, 269। इसमें से इसे घटा देंगे, 7 में से 9 गया जाएगा, नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया कितना बचा, 8, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 1 6 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। इसका स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। देखिए 10 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आता हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया गया है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने ए में से बी को घटाया, उसका स्क्वायर कर दिया, आ गया 324। तो कितनी आसानी से उत्तर आ गया इससे, बिल्कुल 10 सेकेंड में। और यहाँ इसे करने में बहुत ज़्यादा समय लगा और गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई गलत होने का चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 प्लस 144, यानी कि हम 456 को क्या मान लेंगे, ए, इसको क्या मान लेंगे, बी। ये पूरा क्या लिखा गया, ए स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा गया है, बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह है यानी प्लस, ये क्या लिखा गया है, 2 गुणे ए गुणे बी। अब अगर हम इसी तरह से अगर अलग अलग गुणा करके जोड़ेंगे, अलग अलग इसका अलग गुणा करेंगे, इसका अलग गुणा करेंगे, इसका अलग गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसे इसी तरह सॉल्व करते हैं, इसे देखिए जैसे उसे ट्रिक से सॉल्व किए उसी तरह से इसे सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमें यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना। चलिए ए, ए का मान 456, बी क्या, प्लस बी का मान 144, दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। अब जोड़ लेंगे, देखिए खूब आराम से जोड़ लीजिए, 456 फिर उसके बाद 144, 6 4 10, 5 4 9, और 9 एक हासिल था, कितना हो गया, 10 हासिल, फिर 1 4 1 5, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, इसका योग कितना आया, 600, और 600 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसे और आसानी से करना से आप चाहते हैं तो देखिए 6 गुणे 100 का स्क्वायर, अब तो सभी लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200, माने 100 गुणे 100, चलिए 36, और जितने जीरो लिख दीजिए 4 जीरो, 36 से करना 36, 4 जीरो, उत्तर कितना आया, 360,000, 360,000 आया। तो इसी तरह से आसानी से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab, तो हम देखेंगे कि कौन सा सूत्र किस सूत्र पे दिया गया, तो यहाँ दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab। अब हम जब ये दिया गया, ये सवाल में हमारे दिया गया है, तो इसे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर इतना होता है, ए और बी का दोनों का मान रख देंगे और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना है, 600 है, 600 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 600 का करें तो 6 6 36, और 2 0 4 0 बन जाएगा, या इस तरह से कर सकते हैं 6 गुणे 100, यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 36, और ये जो 2 0 था वो कितना जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह से भी 4 आ जाएगा, 360,000, या तो इस तरह से कर सकते हैं 6 और गुड़े 100, 6 करना 6 600, ये भी लिखा गया है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, 10,000 में 36 का गुड़ा होगा तो हो जाएगा
60,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सातवां क्वेश्चन। कौन सा? सातवां क्वेश्चन है। ये दिया गया है 586 × 586 प्लस 214 × 214 प्लस 2 × 586 × 214। ये पिछले वाले पे ही दिया गया ताकि आप लोगों को भूले न, ऐसे सवाल आए तो तुरंत लग जाए। तो 586 को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। 214 को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। अब देखिए ये क्या लिखा गया? ए स्क्वायर लिखा गया। इसे क्या लिखा गया? बी स्क्वायर लिखा गया। बीच में प्लस का निशान, प्लस 2 × a × b, ये भी वही लिखा गया है। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab। यही लिखा गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, बस ए प्लस बी का मान रख के उसका होल स्क्वायर कर देना है। चलिए, ए की जगह पे क्या है? 586 है। बी की जगह पे क्या है? 214 है। दोनों का स्क्वायर अगर हम इसे खंड खंड में तोड़ के करते हैं तो भी इसका वही करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, फिर इनका भी गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। चलिए इसी तरह जोड़ के और उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं। 586 और 214, यहाँ 214, 214, 6 × 4 = 10, 8 × 1 = 9, हासिल कितना था? 10, 5 × 2 = 7, 7 × 1 कितना हो गया? 8, इसका योग कितना हो गया? 800, और 800 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 × 8 = 64, और 100 का स्क्वायर 2 0 का कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। आ गया कितना? 6,40,000। तो इसका उत्तर कितना है? 6,40,000, जो कि बी विकल्प में है। तो इसी तरह से करते हैं, देखिए कितनी आसानी से, मुश्किल से ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगेगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में इसका उत्तर आपके सामने। देखिए 6,40,000। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द लगे, और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा आठवां सवाल क्या है, 589 + 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 - 187 का होल स्क्वायर बटे कितना? 589 × 187। अगर इसे हम दोनों का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका अगर तोड़ के लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा, हमारे ब्लैक बोर्ड में भी नहीं आएगा। लेकिन इसे हम आसानी से लगाने के लिए इसे लाए हुए हैं, तो अब बिल्कुल आसानी से एकदम छोटे में लगाएंगे। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। तो 589 को मान लेते हैं ए और 187 को मान लेते हैं बी। इसको ए माना हमने, इसको क्या माना? बी माना। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या लिखा गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या लिखा गया? ए गुणे बी। चलिए इसे करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बटे क्या है? ए बी दिया गया, यही दिया गया। चलिए इसे करते हैं, तोड़िए इसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस क्या? 2ab। ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है, इसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे पहले हम यही कर रहे थे, इसकी जगह पे ए रख देते रहे थे, लेकिन अब इसकी जगह पे इसे रखेंगे। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपने हिसाब से देखते हैं कहाँ कौन सा फिट होने लायक हो, उसे फिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा ही रखिए क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है। अब करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस की जगह पे यहाँ क्या हो जाता है? प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या? माइनस 2ab। अपान क्या हो गया? यहाँ देखिए ए और बी, ए बी लिखा गया। चलिए इसे इसी तरह लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस की एंट्री करवाइए, माइनस है ए प्लस ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद ए भी बी प्लस इस बी स्क्वायर है तो माइनस की एंट्री होगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस की एंट्री इधर होगी तो माइनस गुड़े माइनस मिल क्या हो जाएगा? प्लस 2ab।
अपान कितना ए बी। इसीलिए कहते हैं जब माइनस का गुणा होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर है इसका माइनस से गुणा होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए बी है माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस टू ए बी हो गया बटे कितना ए बी। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए बी और टू ए बी मिलके कितना हो गया फोर ए बी, फोर ए बी अपान क्या लिखा गया ए बी, ए बी से ए बी कट गया उत्तर कितना आ गया चार। बताइए कितनी आसानी से कितना छोटा उत्तर, यही इसी को कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका उत्तर कितना आया चार आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, इधर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, हमने इसे तोड़ा, तोड़ के उसके बाद इसे जो कटने लायक था उसे काट दिए, दो ए बी प्लस दो ए बी मिलके कितना हो गया चार ए बी बटे कितना दिया गया था ए बी, ए बी से ए बी कट गया उत्तर कितना आया चार आया, और इसका भी उत्तर वही आएगा चार आ जाएगा, तो उत्तर कितना आया चार। कौन सा ऑप्शन सही हुआ ए, चार उत्तर आया, बिल्कुल आसान, देखिए कितने छोटे में लग गया। चलते अगले, चलिए देखिए अब की बारी वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे 931 प्लस 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138। इसे भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं, जैसे पहले किया जा रहा था उसी तरह से अब भी करना है। सबसे पहले क्या मानेंगे ए मानेंगे, इसे क्या मानेंगे बी। अब देखिए लिखा क्या गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, और यहाँ क्या प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया ए स्क्वायर और क्या लिखा गया प्लस बी स्क्वायर लिखा गया, यही लिखा गया ना। देखिए अब इसे तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए, दूसरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया बटे क्या लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यही लिखा गया। तोड़िए इसे, फिर तोड़ दीजिए जैसे पहले तोड़े थे, उस तरह से तो अभी बता देंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए तोड़िए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो पहले क्या होगा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा बी स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी। चलिए यहाँ तक हो गया, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ हमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस टू ए बी बटे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा गया ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, यही ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ ए के स्क्वायर मिलके कितना हो गया टू ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, यहाँ एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर मिलके कितना हो गया दो बी स्क्वायर बटे कितना हो गया ए स्क्वायर और क्या प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए दो को कॉमन ले लीजिए ऊपर दो, अब यहाँ क्या बचा दो से दो कट गया, जब भाग देंगे कॉमन क्या होता है दो कॉमन ले लिए तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर बटे में क्या है ए स्क्वायर और क्या प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया उत्तर दो। सवाल इतना बड़ा है और उत्तर कितना छोटा आ रहा है इतना छोटा, तो कभी भी सवाल को देख के घबराना नहीं चाहिए, सवाल कितना भी बड़ा रहे उसे देखना चाहिए समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, जब कोशिश करेंगे तो लगेगा ही, हर हाल में लगना उसे। तो देखिए कितनी आसानी से उत्तर आ गया दो, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दो उत्तर आया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि सही हो। तो
तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 465 ब्रैकेट में 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 465 × 415। अब इसे भी उसी पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जैसे दिया गया उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले दिया गया था तो देख लेते हैं, सारा अंक वही दो ही लिखा गया, 465 और 415। सबसे पहले ए और बी मानेंगे, तो इसे क्या मान लेते हैं ए, इसे क्या मान लेते हैं बी, और ये लिखा क्या गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × b लिखा गया है। यहाँ लिख लेंगे, खूब आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × b। a है, ये क्या है b है, और a b लिखा गया है। अब चलिए इसे तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b और माइनस 4, अभी इसका गुणा कर देंगे, 4 ab हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, ए भी 2 ab ही है, सीधा ए बी लिखिए, कहें एक लाइन बढ़ाएंगे, 2 ab। अब देखिए इसे तो इसी तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2 ab, यहाँ माइनस 4 ab है, ज़्यादा कौन है, माइनस फोर ए बी में से प्लस 2 ab घटा देंगे, बचेगा कितना, 2 ab बचेगा, लेकिन कौन सा बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो माइनस वाला बचेगा, बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab बचा। अब ये किसका सूत्र होता है, इसके बराबर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या हमने माना था, 465 रख देंगे मान, और माइनस b क्या है, 415 घटा दीजिए, 465 में से 415 को घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया कुछ भी नहीं, यहाँ स्क्वायर भूल गए थे, देखिए 50 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और स्क्वायर में 1 0 क्या हो जाता है, 2 0, तो उत्तर कितना आ गया, 2500, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो उत्तर कितना आया, 2500। देखिए सवाल कितना बड़ा दिया गया था और किस हिसाब से दिया गया था, देख के लग रहा था कि हमसे लगे होगा नहीं, लेकिन देखिए कितनी आसानी से लग गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। सबसे पहले हमने ए माना, दूसरे पद को बी माना, और उसके बाद देखा क्या लिखा गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया माइनस 4 × a × b लिखा गया है, तो इसे लिख दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × b। इसे हमने तोड़ दिया, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 × पहला पद × दूसरा पद माइनस 4 ab। अब यही घटा देंगे, देखिए 4 ab ज़्यादा है, माइनस है, 4 ab में से 2 ab घटाए, बचा कितना, 2 ab, लेकिन क्या बचा, माइनस वाला ज़्यादा था तो माइनस वाला बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हमने ए माना था 465, बी माना था 415, दोनों में से घटा दिया हमने, बचा कितना, 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, तो उत्तर कितना आ गया, 2500। चलिए ठीक है, फिर बने रहिए इसी तरह से, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।